Everyone, welcome to Achievers Academy. Question 16, textbook exercise chapter 1 का करते हैं. तो शुरू करते हैं वीडियो. देखते हैं question number 16. Explain the following in terms of gain or loss of oxygen with two examples each. हमें दो example देते हुए oxygen gain और loss की terms में, मतलब oxygen gain होती है reaction में या loss होता है, क्या बताना है? Oxidation and reduction. कि oxidation क्या है? Gain of oxygen है या loss of oxygen? इसी तरह reduction बताना है कि gain of oxygen है या loss of oxygen. तो हमें पता है oxidation मतलब क्या होता है? Gain of oxygen होता है, addition of oxygen होता है किसी भी substance में. तो हम क्या लिख देंगे? Oxidation means the addition of oxygen to a substance is called oxidation. ठीक हो गया. अब यहाँ पर हमने example क्या दे देना है? हमने example लिखना है sulfur और ऑक्सीजन. सल्फर ने जब ऑक्सीजन से, सल्फर एक सॉलिड है या ऑक्सीजन गैस है, रिएक्शन हुई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है यहाँ पर. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड हो रही है. तो हमने इसको क्या लिखा? एडिशन, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल हो गया. ठीक है. अब दूसरी रिएक्शन क्या है? मैग्नीशियम. जब मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है. और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, इसमें भी चूंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ? आपका ऑक्सीडेशन. ठीक हो गया. अब रिडक्शन में हम क्या लिखेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ये आपको याद होगा, आपको पढ़ रखा है आपने, कि जब ऑक्सीजन रिमूव होती है किसी सब्सटेंस से, मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, याद रखना है ये. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन. ठीक है. तो एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? आपने ये रिएक्शन, आपको याद होगा, आपने पढ़ रखी है जब आपने एक्टिविटी की है, कि जब कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का आपका बना था, उस पर जब हाइड्रोजन गैस को पास किया था हीट करते हुए, तो क्या बना था? कॉपर आपका अलग हो जाता है कॉपर ऑक्साइड से और वाटर बन जाता है. तो यहाँ पर क्या है? कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है. ठीक है. तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, तो इसलिए क्या हुआ? आपका रिडक्शन हुआ. ठीक है. तो इस तरह से आप लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन from the substance is called reduction. Clear? फिर दूसरी reaction क्या आप लिखोगे? Zinc oxide plus carbon. अब यहाँ पर ये zinc oxide में से carbon जब reaction हो रहा है, तो carbon reduce कर रहा है zinc oxide को, और क्या बना दे रहा है? Zinc बना दे रहा है, यानी oxygen को remove कर दिया, और खुद से oxygen के साथ add हो गया, carbon monoxide बन गया. तो यहाँ पर ये भी कौन सी reaction हो गई? ये भी एक reduction reaction हो गई. क्यों हो गई? क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ भी. ठीक है. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन. समझ में आ गया? वेरी गुड. इसी तरह से क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे समझकर.